श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं चिराग दारूवाला और मैं आज आप सबके सामने वापस से पेश हुआ हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवाणी। इस शो में हम बात करेंगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, क्या किया जा सकता है कि जिससे आप पैसा कमाएं और तरक्की के मार्ग पर जाएं। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए, जरूर से लाभ होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 12 मार्च से 18 मार्च 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, जो लोग हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग मेडिकल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने व्यापार को एक्सपांड कर पाएंगे, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, पैसों की इनकम होगी। दूसरा, आपको खाली यह चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का आप मोनेटरी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कुछ गलत हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, पर अगर ध्यान रखेंगे, अलर्ट मोड पे रहेंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है, फिर देखिए कि कितना परिवर्तन आता है। वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे हैं, यह सप्ताह आपकी जो वाणी है वो आपको संभाल कर रखनी है। क्यों? अगर आप कोई भी शब्दों का उच्चारण करते हैं, सही समय पर सही शब्दों का करेंगे तो आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। यानी कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, राइट पर्सन राइट प्लेस राइट टाइम, तो उसी प्रकार आपको मौका देखना है, उसके बाद आपको अपना जो दिल में चल रही है चीज़ें, जो प्रेजेंटेशन देना है वो करिए। यानी कि ये समझ लीजिए कि यह सप्ताह सोच समझ कर करने वाला सप्ताह है, प्लानिंग करके करने वाला सप्ताह है और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए और यह सप्ताह वो चीज़ें आपको मिलेगी। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करिए, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहिए। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं, यह सप्ताह रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। दूसरा, पास्ट के जो इन्वेस्टमेंट्स थे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल में किए हो, कोई भी फर्म में किए हो, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में किया हो, आपको उसका रिटर्न यह सप्ताह मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेंस हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंटली आपका अटका हुआ पैसा भी आपको वापस से मिल सकता है। आपके जो डिस्प्यूट चल रहे थे, जो घर पर मनमुटाव चल रहे थे, वो मनमुटाव यह सप्ताह दूर होंगे और जीवन में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वालों, सप्ताह बहुत अच्छा है, उसका फायदा उठाइए। कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, मल्टीपल डिसीजंस लेंगे, नए नए लोगों के संपर्क में आएंगे, अलग अलग कार्य करेंगे। यानी कि यह सप्ताह एक्सपेंशन वाला सप्ताह आप कह सकते हैं। आप 100% मेहनत करते थे, आपको परिणाम मिलता था 30%, 40%, यह सप्ताह आपको 90% परिणाम मिल सकता है। दूसरा, आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, जो भी इंसान जुड़ा हुआ है आपसे, हर एक इंसान का अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, आप ये देखिएगा कि जरूर से आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। कर्क राशि वालों, मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाए सुबह नहा धोकर और गणपति दादा की आराधना करिए, ओम गण गणपताय नमः का जाप करिए 108 बार, जरूर से आपके जीवन में रोशनी आपको देखने को मिलेगी। सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह आपको साइलेंटली बैठ जाना है, उतावल में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, यह सप्ताह स्पिरिचुअलिटी वाला सप्ताह है, आपकी जो आस्था है भगवान के प्रति आपको और बढ़ानी है, आपको जो भी माता जी में आप मानते हैं, चाहे वैष्णो देवी में मानते हो, अम्बे माँ में मानते हो,
सरस्वती माँ में मानते हो। यह सप्ताह आपको कोई भी माता जी के मंदिर जाना है, तीर्थ स्थल पर जाना है और आपकी जो पिछली कुछ बाधाएं अधूरी रह गई हो उसे आपको पूरी करनी है। सिंह राशि वालों, सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, कुछ अनबनाव ना बने इसलिए थोड़ा सा दिमाग को शांत रखकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े, मेडिटेशन करिए, जरूर से फायदा होगा। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह आपको आपके सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। यस, आपके सपने क्या थे? नया ऑफिस बनाना, नया घर बनाना, जमीन लेना, फार्म हाउस बनाना या तो फिर कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना, वो हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। आपको अपना मन मक्कम रखना है। दूसरा, किसी की भी बातों में नहीं आना है। जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका दिल कहता है वही करिए, आपको जरूर से लाभ होगा। साथ साथ में कोई लीगल केस चल रहे थे, कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहे थे, पुलिस केस चल रहा है, तो वो भी आपके फेवर में आ सकता है। यह समझ लीजिए कन्या राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतरीन है। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, यह सप्ताह आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपके व्यापार में नौकरी कर रहे हैं तो आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। यस, यह सप्ताह जबरदस्त सप्ताह रहने वाला है। आपको खाली अपनी सेहत का ध्यान रखना है, स्टमक रिलेटेड, पेट रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, सावधानी रखिए, जंक फूड को अवॉइड करिए। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना सोचेंगे स्ट्रेस में रहेंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे और अल्टीमेटली आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोचे बिना कार्य करिए, प्लानिंग करके कार्य करिए, जरूर से आपको मज़ा आएगा। साथ साथ में आपके जो संबंध है आपके पार्टनर्स के साथ वो और सुधरेंगे, रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। यह समझ लीजिए कि मल्टीपल चीज़ें आपके साथ हो सकती है, खाली उसके लिए आपको प्लानिंग करना है, उसके पीछे आपको पड़ जाना है, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। अब हम आएंगे नवमी राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, क्यों इतना लोड लेते हैं, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं, क्यों मायूस रहते हैं? यह सप्ताह आपकी मायूसी दूर होने वाली है। आपको क्या करना है? आपको अपना चंद्र मजबूत करना है। चंद्र को मजबूत करने के लिए आप मोती पहन सकते हैं लास्ट फिंगर में 5 कैरेट का। दूसरा, चंद्र का मंत्र रिसाइट करिए, ओम सोम सोमाया नमः 108 बार करिए, जरूर से जीवन में शांति देखने को मिलेगी। साथ साथ में आप डिसीशन जो नहीं ले पा रहे थे, जो कार्य आप करना चाहते थे वो कार्य आप यह सप्ताह कर पाएंगे। इम्पोर्टेंटली, अगर आप पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए, अच्छे पात्र आपको नहीं मिल रहे थे, यह सप्ताह आप ट्राई करिएगा, जरूर से मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं, यह सप्ताह आप कुछ भी ट्राई मत करिए, आपको रिजल्ट नेगेटिव वे में मिल सकता है, रुक जाइए, शांति से यह सप्ताह बिताइए स्टूडेंट्स के लिए। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, समय आपका है। पिछले कुछ समय से आप जो मेहनत कर रहे थे, आप जो परिश्रम कर रहे थे, उसका फल आपको मिलने वाला है यह सप्ताह। दूसरा, 100% एफर्ट्स दे रहे थे तो आपको अपने एफर्ट्स बढ़ा देने हैं, 500% तक ले जाने हैं, आपको जरूर से अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ अचानक चीज़ें हो सकती है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं, पर आपको मन को मक्कम रखना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखना है। आप ये देख लीजिएगा कि कोई भी शत्रु हो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, जिसको जो करना है करने दीजिए, आपको जो करना है वही आप करिए, फिर देखिए कि कितना आपको मज़ा आता है। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह प्रमोशंस आपका वेट कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको जॉब में मिल सकती हैं,
जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या तो फिर बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, साइड बाय साइड कुछ अलग कार्य करिए। इनकम की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी कार्य करते हैं तो पहले से किसी को भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। डिस्क्लोज किया हुआ कार्य अटक सकता है, रुक सकता है, रुकावटें आ सकती है, तो रुकावटें नहीं आने देनी है। मन को शांत रखना है, धीरे 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 चलते रहिए और अपनी मंजिल पे आप बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, आपको किसी से कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, किसी के भरोसे आपको नहीं बैठे रहना है। एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो उम्मीदें टूटेगी, भरोसे बैठे रहेंगे तो आपके साथ दगा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। फिर क्या होगा, फिर आप मायूस हो जाएंगे, आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। यानी कि आपको खुद पे ऊपर विश्वास रखना है और खुद कार्य करने हैं। एम्प्लॉयज़ को कार्य दे देंगे तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, या तो फिर अच्छा होदा आपको मिल सकता है, अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है, यह सप्ताह आपका इंतज़ार कर रहा है। और अगर आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे। मीन राशि वालों, सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, तरक्की पाए। तो हम आपको आज देंगे ब्रह्मास्त्र, वो है शनि बीज मंत्र। मंत्र है ओम प्रम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः। 101 बार हर शनिवार को सुबह शाम ये करिए, सुबह 101 बार, शाम को 101 बार, जरूर से शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन में आप तरक्की के मार्ग पर जाएंगे। उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे सजेशंस फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सैटरडे को वापस सुबह इसी समय मिलते हैं। तब तक आप सब खुश रहें, समृद्ध रहें। श्री गणेशाय नमः।